नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ NCERT के लाइव फोन इन प्रोग्राम में। और हमारे आज के कार्यक्रम का चर्चा का विषय है वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड। हमारा आज का कार्यक्रम हमारे पिछले दो फिजिक्स के एपिसोड पर आधारित है, जो कि है साउंड एंड वर्क एंड एनर्जी। और अगर आप उसको दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर जाकर उसे देख सकते हैं। और हमारे इन पिछले एपिसोड्स में आपके द्वारा काफ़ी सारे प्रश्न हमें मिले थे, तो आज के कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब हम दे पाएँ। और आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में आज उपस्थित हैं डॉक्टर गगन गुप्ता जी, जो कि NCERT के विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी, धन्यवाद कार्यक्रम में जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर को। पर इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आप सबको बताना चाहूँगी, अगर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो या कोई भी क्वेरीज़ हो या सुझाव हो तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग आप देखना न भूलिए हमारा 4 से 5 होने वाला लाइव प्रोग्राम गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हेल्पलाइन को। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं बच्चों के कुछ प्रश्न को। नितिका जी का आप सबसे पहला प्रश्न है, वो पूछना चाहती हैं कि हमें अंतर बताएं यूजुअल वर्क और साइंटिफिक वर्क में। जी धन्यवाद शिल्पा जी, और इन सब इस तरह के विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जी। और इससे प्रश्न से संबंधित मेरे पास जो प्रश्न की माला है उसमें कुछ प्रश्न हैं जी। मैं कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको एक साथ मैं पिरोऊं और उसका जवाब दूं। तो जैसा कि हर किताब में और हम बार बार कहते हैं कि वर्क या कार्य की जो हमारे दैनिक जीवन में जो अवधारणा है वो थोड़े विज्ञान में जो अवधारणा है उससे थोड़ी भिन्न है। दैनिक जीवन में जो अवधारणा है वो ये है कि जिस भी कार्य में जो भी कुछ करें हम, जो भी हम एक्टिविटी करें, उस एक्टिविटी में हमारी कुछ ऊर्जा व्यय हो रही हो, हमें कुछ थकान हो रही हो और किसी तरह का भी कुछ भी मूवमेंट हो रहा हो या ना भी हो रहा हो जी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कार्य हो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है तो भी ये कहें हम कहेंगे कि कार्य कर रहा है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि में कार्य वर्क वही है जिसमें कि कुछ मूवमेंट जरूर हो, कुछ मूवमेंट जरूर हो। हालांकि ये एक जरूरी चीज नहीं है कि जिसमें भी मूवमेंट होगा उसमें वर्क होगा। ओके, इस सवाल को भी एक किसी बच्चे ने पूछा है तो मैं इसके बाद में उस सवाल को लूंगा। लेकिन इन जनरल एक मूवमेंट हो और उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स बल लगा हुआ हो, किसी बल की वजह से या किसी फोर्स की वजह से कुछ मूवमेंट हो, मोशन हो, वो हो सकता है कि फोर्स की डायरेक्शन में हो सकता है ये फोर्स की डायरेक्शन ना भी हो। जिस दिशा में बल लगा है उस दिशा में ना हो और हो सकता है कि उस दिशा में हो। पर किसी बल के कारण वहां पर कुछ गति हो, कुछ गतिमान हो, कुछ मोशन हो, कुछ परिवर्तन हो, कुछ विस्थापन हो, तब हम विज्ञान में कहते हैं कि इसका वहां पर वर्क हुआ। और कॉमन पैरालेंस में इस एक वर्क की अवधारणा बिल्कुल दूसरी है कि जिसमें भी हमारी कुछ ऊर्जा हो। उदाहरण के तौर पर एक सवाल है हमारे पास जिसमें कि लिखा है वर्किंग हार्ड टू पुश ए ह्यूज रॉक, लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, यू गेट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, हाउएवर यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक। एक और सवाल है इसी तरह का, एज वी रीड एंड एज वी लिसन दैट व्हेन ए कुली पुल्स द सम लगेज और सम मास, कोई कुली जब किसी सामान को उठाता है और आगे चलता है तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है विज्ञान में। तो इन दोनों उदाहरणों में हमारी मस्कुलर एनर्जी तो जा रही है। देखिए हम रॉक को हम धक्का दे रहे हैं पर रॉक जो अपना इंटरनल वहां पर जो इनर्शिया है, जो फोर्स हमने लगाया वो फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि रॉक को मूवमेंट करा सके। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इस टेबल को हल्के से कुछ धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा धक्का देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन टेबल मूव नहीं कर रही है। तो इसको अगर मैं लगातार करता रहूंगा तो थोड़ी देर बाद मुझे लगेगा कि मुझे पसीने निकल रहे हैं, मेरी मस्कुलर एनर्जी जा रही है, मेरे अंदर की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो ये तो सही है कि मस्कुलर एनर्जी यूज हो रही है, बट साइंटिफिक अवधारणा के में इसमें कोई कार्य नहीं हुआ, कोई देयर इज नो वर्क डन बिकॉज देयर हैज बीन नो डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ दिस द फोर्स व्हिच वी आर अप्लाइंग। ओके, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट
the force is applying creates no motion in the object, whether it is a rock or whether it is a table. Similarly, in the case of the coolie's case, the when coolie puts the luggage on his head, what happens? His muscular portion or the muscles and the bones takes on the load on it, and this load is because of the gravitational force. The gravitational force is in downward direction. The motion is in horizontal direction. Both are perpendicular to each other. Now, if you decompose this force, it has no component along the horizon. So, F d cos theta, what we write, W is equal to the work done, the force applied, d is the displacement, and cos theta. Theta, what is cos theta? First, let us see theta. Suppose this is the force. If I put a rock, a small rock piece, and if I apply a force in this direction using a rod, and then it moves in this direction. Right. Say, now the force is in this direction. The force applied is in this direction. Now what is happening? The motion is in this direction. So now the angle between them is this. So this is the angle theta. Similarly, now the case of the coolie, the force is in this direction, the gravitational force, and the displacement is in this direction. Horizontal, right. The angle between them is 90 degree, and simple trigonometrical relationship, cos theta 90. Is equal to cos 90 in this case. So this gives you 0. Right. So work done in this case is 0. Right. You can do several experiments for showing all these things. Okay. There are many experiments. One person has asked, Prerna ji, please. Prerna ji has asked, is there any concept of positive and negative work? Let us try to understand that. Okay. What do we mean by positive and negative work? Let us go directly to an example. And then, suppose a person happens to lift a book. There is some material, some object. And if the person lifts the book upward, upward direction, right? Now, the person is lifting the book. Now, there are two forces on it. The one, the force which I am applying through my hand, remember, this force is in upward direction. And the displacement of this book is also in upward direction. So now the situation is that the force is in upward direction and the displacement is also in upward direction. So the angle between them is 0 degree. So now using the simple algebraic equation Fd cos theta, so cos 0, so this is force multiplied by displacement, cos 0 is always 1. So this is Fd. Look, this is positive because both are in same direction. Okay. Now look in the same example, if you look and I am lifting it, there is another force which is working on it, and that force is arising because of the gravity. The gravity is pulling it. Now this force, the force due to gravity is in downward direction. But the displacement is upward. Upward direction. Look, जो force, जो बल कार्य कर रहा है, वो उधर्वाधर नीचे की ओर है, gravity का, गुरुत्वीय बल. गुरुत्वाकर्षण. और जो इसका विस्थापन है वस्तु का, पुस्तक का, वो ऊपर की ओर है. जी. नतीजा कि अब इन दोनों के बीच में जो force, gravity force नीचे है, और जो displacement है, वो ऊपर की ओर है. The force is working downwards and the displacement is upwards. Now the angle between them is 180 degree. Now let us put W is equal to Fd cos theta. So this will give me minus Fd. Minus Fd, right. Minus because 180. Cos 180 is equal to minus 1. G. I hope this might have given the good insight to the
persons those who had asked these questions. Right. Sir, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक महक जी का प्रश्न था. Is it possible that object get displaced without any force and still we say work has been done? Very fundamental question. Good. Let me take you to the Newton's second law. Okay. Second law of motion. गति का द्वितीय नियम क्या है? Rate of change of momentum is equal to the force. ध्यान दीजिए, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, दर शब्द है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम शब्द है, इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट. राइट. नाउ सपोज इफ ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स इट्स मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. राइट. एंड इफ मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट मीन्स its momentum is not changing. Means the rate at which momentum is changing is zero. So therefore the force which is directly proportional to the rate of change of momentum is zero. Right. So now since F is zero, it means there is no work done. So Prerna ji, aapko iska jawab mila hoga ki displacement ho sakta hai bina kisi force ke. कोई भी वस्तु एक समान गति से गतिमान है, एक समान चाल से गतिमान है, उस स्थिति में उस वस्तु के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं कार्य कर रहा है, तो वहां पर कोई कार्य नहीं है. वो पिछले वाले सवाल से संबंध में एक उदाहरण और देना चाहूंगा. फ्रिक्शन फोर्स, नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क की बात है. फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है. द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. सो नाउ एफ, द फ्रिक्शनल फोर्स एफ एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ऑलवेज एट 180 डिग्री और एटलीस्ट एट एन एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री. सो इट मीन्स कोसाइन ऑफ दैट एंगल, कॉस ऑफ दैट एंगल इज नेगेटिव क्वांटिटी. So the work done by a frictional force by definition negative, is always a negative work. Remember the example which I took of the book here. The work done by my hand on this object is positive. Right. But the work done by the gravity is negative. By the gravity is negative. Right. So we need to understand it. Ki which force is giving you positive work done and which force is giving you negative work done. सर एक और प्रश्न लेती हूँ. हमारी व्यूअर का प्रश्न है, डू विजुअली चैलेंज्ड पीपल हैव द डिफरेंट एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द साउंड? गुड. सी, व्यूइंग, देखना एक हमारी आंख के लिए एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. किसी भी चीज़ को सुनना, किसी भी आवाज़ को सुनना, वो हमारे कान के लिए एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. कान में एक डायफ्राम है जी. उस डायफ्राम में कंपन या वाइब्रेशन जब पहुँचते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डेवलप होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को जाते हैं. जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे आँख की रेटिना पर इमेज बनती है जी. और उस इमेज से और रेटिना से वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल नर्व्स हैं, जो नर्व्स हैं, उस नर्व से एक सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है. इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो ऑप्टिकल सिग्नल है, लाइट सिग्नल है, वो लाइट सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर हमारे ब्रेन में जाता है. तो इस मेरे इस इतने सारी चीज़ों को कहने से एक बिल्कुल साफ है बात कि देखना और सुनना दो बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाएं हैं. लेकिन हमारी हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्चेज, मेडिकल रिसर्चेज भी हमें ये सोचने पर कई दफ़ा मजबूर करती हैं कि अगर हमारा एक ऑर्गन, हमारे आँख या कोई एक ऑर्गन कुछ कमज़ोर हो जाता है तो हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. तो अगर कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है अच्छे से, ठीक से देख नहीं पा रहा है, तो उसको सुनने की जो सेंसेशन है, कान की जो सेंसेशन है, वो बहुत बढ़ जाते हैं. तो साइंटिफिकली द आंसर इज दैट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन व्यूइंग एंड लिसनिंग. बट what happens, the things are interconnected. So the what sometimes it happens
that if somebody is weaker in viewing, somebody is not able to see, his body has accommodated such, has adapted such that his sensory organs for listening become more sensitive. जी. So this is how it can be. Right. Sir, अगला प्रश्न लेती हूँ. अगला प्रश्न है, how sonar and ultrasonic sounds are different from each other? Now we are shifting to sound, no problem, that's good. Sonar, sound, navigation and ranging. Sonar is a process. Sonar is an instrument through which, for identifying or seeing the position of submarines in underwaters, etc., it's used. They use ultrasonic waves. Why do they use ultrasonic waves? The reason is because they can travel much longer without any absorption in water. Okay. Remember, there are two words. Just today morning, somebody asked me, my friend, that you often say sound, the speed of sound is 330 meters per second normally, on an average. Which sound you talk about, are you talking about? So please don't be confused with the quality of sounds. Sounds means which are having frequency from 20,000 hertz to 20 hertz frequency difference. This is what is the conception. However, in one of our last program, I had demonstrated coupled with the concerned audio that human beings are not able to hear more than 15,000 hertz or so. Even the males are not able to hear for more than 12,000 hertz or so. I myself can't hear any frequency which is more than 11 or 10,500 hertz. But female can have listen slightly more. And as far as speaking is concerned, females are able to speak up to 8,000 hertz or so. Remember, Ae Mere Watan Ke Logo, Lata Mangeshkar song. Lata Mangeshkar was singing around 7,000 to 8,000 hertz frequency in this song. This is why that has a great quality, high frequency sound. The question is that ultrasonic sounds. So, we can classify sounds on the basis of their speeds and on the basis of their frequencies. So, there are two kind of classifications. Number one, sound and ultrasound. Both have same speed. Okay. There is the difference between the frequencies. And another classification is hypersonic and sonic. Okay. Sonic means which can travel in air with a speed of nearly 330 meters per second. In some certain, in say hilly regions where the temperature is cold, humidity is more, so the speed goes up to 350 hertz. And in the hot, in the June or July month in Delhi, where I am sitting now, the speed is around 320 meters per second. So roughly 330 meters per second. So, but there are variations. It's not so strict to say about it. Right. It's around 330 meters per second. So, ultrasonic are the waves, radiations. Okay. Sonar is an instrument. Right. Sonar is an instrument, and the sonar works or uses ultrasonic waves. If the sonar happens to use the sonic waves, means those are frequencies are of the order of 20 hertz to 20,000 hertz, then the problem is that they get attenuated in the water very fast, so they cannot travel much. The similar thing happens in the case of ultrasound. Okay. Ultrasound signals which we take, it's a very popular medical instrument, medical diagnosis instrument, and in ultrasound imagings, what happens that the ultrasound signal is being fed to the body, they transmit through the screen, they pass through the skin and pass through the water medium inside, and then can image. And there is a question of multiple echo also somewhere. So I will couple that question if I allow to sure do so. Sir, sure, sure. So what happens that the ultrasound signal is fed on the body, on the organ, over the organ, say for 10 raised to power minus 9 seconds or so, 1 nanosecond or so. Okay. Now this goes into the body, and then the next pulse is fed after say 10 raised to power minus 6 seconds or so, means roughly 1000 times of the pulse, the ultrasound pulse. The duration of ultrasound in which the ultrasound signal is fed into the body is around 1 nanosecond. Okay.
and the another pulse is fed after a microsecond. 1 microsecond means 1000 nanoseconds. Now in between what happens? The ultrasound signals goes to inside the body and they are reflected back. Okay. So what happens? One is reflected back from the top, another is and little goes little more in the depth and so far so on. Ji. So the multiple reflections comes in. Ji. So the signal which are being received by the ultrasound sensor, which the doctors used to have in their hand, it receives signals, and this is the reason why they keep on moving it. That so that they can receive the signals reflected from signals, the reflected signals, the multiple reflections. Okay. Multiple reflections, they keep on receiving it for over of time. So they get more information. Okay. All that. Sir, आगे एक और प्रश्न लेती हूँ. एक प्रश्न है सरिता जी का. उनका पूछना है, can reflective material with high density be used to amplify sound? Yes. See, what do we mean by amplification? Amplification से हम क्या समझते हैं? आवर्धन. आवर्धन मतलब चीजों का बढ़ना. जी. किसी के ध्वनि के केस में, साउंड के केस में मैं कहूँगा कि या तो उसका आयाम बढ़ रहा हो, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा हो, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा हो, नेसेसरीली उसकी एनर्जी बढ़ रही है. नेसेसरीली जो साउंड रेडिएशन है उसकी ऊर्जा बढ़ रही है. अब ये ऊर्जा कहाँ से आएगी? या तो ऊर्जा कहीं संग्रहित हो, पहले से रखी हुई हो, और जो कि यूज़ करने के लिए अवेलेबल भी हो. अवेलेबल भी हो ऊर्जा, और जब कोई उस पर रेस्पॉन्स आए और उस रेस्पॉन्स के बदले उस जो भंडार है, जो संग्रहण है, उस भंडार से और ऊर्जा निकल आए, तभी सिर्फ आवर्धन हो सकता है. कोई रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्टिंग मटेरियल? रिफ्लेक्टिंग मटेरियल मींस जहाँ से कि सतह से रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो सके. नहीं तो किसी भी प्रक्रिया में जब कोई रेडिएशन किसी भी सतह पर पड़ता है, कोई रेडिएशन किसी भी सतह पर पड़ता है, तो वो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और कुछ हिस्सा उसके अंदर चला जाता है. तो ये ट्रांसमिशन है या एब्जॉर्प्शन जिसे कह सकते हैं, और ये रिफ्लेक्शन है. रिफ्लेक्टिंग मटेरियल जहां पर कि काफी रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा हो, यहाँ पर जैसे कोई एल्यूमिनियम की प्लेट रख दें तो वहां से रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा. स्टील की चमकदार प्लेट रख दें तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा. लकड़ी, वुड, उसमें एब्जॉर्प्शन कम, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. अगर कुछ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल में कोई वहां पर कोई ऐसी ऊर्जा अवेलेबल नहीं है, कोई ऊर्जा इस तरह के लिए हमारे पास फ्रीली अवेलेबल नहीं है जो कि ऊर्जा हमें ये बता सके, दे सके, एक उदाहरण, एक कोई सोर्स बता सके, कोई सोर्स बता सके कि ये सोर्स है ऊर्जा का जिसको कि हम यूज कर सकते हैं. देखिए, माइक्रोफोन को हम यूज करते हैं. माइक्रोफोन में आवाज हमारी बढ़ती है. वो कैसे बढ़ती है, जरा इसको सोचें. वो इसलिए बढ़ती है कि जब हम बोलते हैं तो एक डायफ्राम वहां पर कंपन होते हैं, उस डायफ्राम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाता है. वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में जाता है जिसे एम्पलीफायर कहते हैं कॉमन भाषा में, और एम्पलीफायर उस सर्किट में जाता है. उस सर्किट में वहां पर जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती है. मतलब बाहर से आपने एक ऊर्जा उसको दी है और तब उसको एम्पलीट्यूड को बढ़ाती है, और तब दोबारा से जब उसको रिसीवर पर ले जाते हैं तो डायफ्राम थोड़े और जोर से हिलता है, तो साउंड का एम्पलीफिकेशन होता है. अब लकड़ी, लकड़ी का अब आप इससे मिलता जुलता प्रश्न हो सकता था, और शायद जो उन्होंने ये सवाल पूछा है उसका आशय शायद इस तरह से भी रहा हो कि जैसे सितार है, सितार को जब हम नोट घुमाते हैं, नोट बजाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिंग को घुमाते हैं, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर साउंड्स, कई सारी साउंड्स पैदा होती हैं, बहुत सारे नोट्स पैदा होते हैं. अब जब बहुत सारे नोट्स पैदा हो रहे हैं तो जो अंदर जो लकड़ी है जिस तरह का डिजाइन है, वो इस तरह से डिजाइंड है कि वो एक पर्टिकुलर आवाज को ही वापस भेजेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और बाकी सारी जो अननेसेसरी जो नॉइज है उन सबको अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा. तो जो लकड़ी की जो प्रॉपर्टी है, उस पर वार्निश जो हुई है, उन सब का आपने देखा होगा कि जितने ये कलाकार हैं वो अपने यंत्रों पर लगातार वार्निश बहुत सफाई से और बहुत साफ से रखते हैं. उसका पर्पज यही है कि उसकी रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज को डिजायरेबल रख सकें, अपने हिसाब से रख सकें, अपने हिसाब से डिजायरेबल बना सकें. और अदरवाइज देर इज नो मटीरियल एज सच नोन टू मी और नोन विच कैन एब्जॉर्ब और विच कैन एम्पलीफाई ऑन इट्स ओन, बिकॉज नो मटीरियल हैज एनर्जी ऑन इट्स ओन स्टोर्ड इन इट
which can amplify this, which is available for amplification of sound. Jee. We have to supply some energy from outside. So, energy की बात हुई है, एक प्रश्न लेती हूँ. अशोक जी का प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं कि कैसे जाने कि सम एंटिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ सम एंटिटी. सम एंटिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सम एंटिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एवरी मास हैज कोरिलेशन विद सम एनर्जी. दैट हैज बीन प्रूवन, दैट हैज बीन गिवन बाय सेवरल ऑथर्स, by several scientific experiments, and that can be explained through several experiments. Similarly, sound is also a vibration. What is sound? When we speak, the energy comes from, we move our cords inside in our throat cord, and then sound cord, and then there are some vibrations, and that energy comes, the air column inside our mouth vibrates, and those vibrations come out from our mouth. And so this is, what is this vibration? This all is energy. The energy which is provided by our vocal cord is transformed into sound energy when it goes into through the medium. So these are enough sufficient implications to say that all entities have some form of energy. Right. Sir, ek aur prashn leti hu. हमारे एक व्यूअर का पूछना है, व्हाई डू एकोस प्रोड्यूस इन एन एम्प्टी ऑडिटोरियम यूजुअली डिक्रीज व्हेन इट इज फुल ऑफ ऑडियंस. सिनेमा हॉल में देखा होगा दोस्तों कि सिनेमा हॉल की जो दीवारें हैं उनमें बड़े थर्माकोल लगे होते हैं या रबर के कुछ मटेरियल लगा होता है और जो बहुत सारे छेद होते हैं. जी, वो इसलिए है कि जब बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं सिनेमा हॉल में, जब जो साउंड, क्योंकि जो वहाँ पर साउंड सिस्टम है वो काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी लाउडनेस हैं, काफ़ी लाउड हैं, उनके आयाम काफ़ी हैं, उनके एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, और वो जब एक सतह से दूसरी सतह पर जाते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर के वापस आते हैं. जी. और कई दफ़ा वो बार बार वापस आते हैं. जी. बार बार वापस आते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा उनमें इतनी रह जाती है कि हर रिफ्लेक्शन में वो उसकी इतनी एनर्जी होती रह जाती है. क्योंकि जैसे पहले यहाँ से, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सामने वाली दीवार पर जा रहा है, सामने वाली दीवार से फिर से लौट करके आ रहा है, पीछे वाली दीवार से आ रहा है, कुछ आपके शरीर पर आ रहा है, कुछ टेबल पर आ रहा है, वहाँ से फर्द से रिफ्लेक्ट होकर फिर से मेरे कान में पहुँच रहा है, तो एक ही आवाज़ बार बार सुनाई देती है. दिस इज इको. ओके. दिस इज इको, यही गूंज है. अब इस इको को हमें ख़त्म करना है. जी. मान लीजिए बिल्कुल खाली हॉल है, खाली हॉल है, उस खाली हॉल में तो इको बार बार होती रहेगी, लेकिन बीच में अगर कुछ लोग बैठे हों, ह्यूमन बॉडी इज ए गुड साउंड एब्जॉर्बर, इज ए ग्रेट साउंड एब्जॉर्बर. अनदर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ साउंड एब्जॉर्बर्स आर कार्पेट्स, पेंटिंग्स, टेबल्स, फर्नीचर, वुडन फर्नीचर आर दोज. सो नाउ दीज मटीरियल्स आर गुड एब्जॉर्बेंट मटीरियल्स. सो आई मीन वॉट हैपन्स वेद मटीरियल कम्स द रेडिएशन कम्स बैक टू द पर्सन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गेट एब्जॉर्ब and their intensity becomes so less that these are no longer audible. Right. So this is the reason why we hear echo in open house, open rooms, in open halls, in vacant halls, and we do not hear it when they are filled with the people or with the furniture. This is the reason why we put so much of furniture, so much of paintings, etc. in large size rooms in our homes. Sir, ek shabd hota hai sound chapter mein, treble. Somebody has asked some question related to it. That question was a little confusing, but nevertheless, this is a good opportunity to clarify. The question was that there are two strings which are oscillating at the same frequency, same pitch. The word is same pitch and loudness. And same loudness. The word is frequency is more scientific than the pitch. Let us start using frequency. Pitch was used by singers, etc. The science people do not like to use pitch for more frequency. If the two strings are oscillating at the same frequency and with the same amplitude, then they have same characteristics. Both are mechanical waves. Both are sound waves. Same characteristics. Their speeds are same. Now what happens? Now if you, what is quality? Quality is the response of your ear diaphragm to distinguish different frequencies. Now if the two signals, two radiations which are coming to my ear
with having the same frequency and same amplitude. The response of my ear diaphragm, ear drum is same for both. Right. It can't make any distinction. So the quality is, will remain same in both the cases. Okay. What happens? We often get confused that somebody is speaking sa, and if you are speaking sa, speak sa. Sa. Both are different frequencies now. Right. They appear to have that as if the same word is being spoken, but the frequencies are different. Frequencies, so now my ear, which is responsive for different frequencies differently, so can make the difference, quality can come. Thank you, sir. So, आज हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपके क्वेश्चंस का जवाब अपने स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट जो कि डॉक्टर गगन गुप्ता जी से जाना, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. अगर फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव हुआ आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं. इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ. तब तक देखते रहिए किशोर मंच.